कैंपिंग स्टोर चैलेंज ऑरेंज कलर में करिए। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है थर्सडे और अभी यहाँ के सुबह के 11:05 हो चुकी है और जैसे कि आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज हम करने वाले ऑरेंज कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो गुड न्यूज देना चाहती हूँ। गुड न्यूज नंबर वन, मुझे फाइनली सोने का बटन मिल गया। मुझे पता है बहुत ही बकवास जोक था, लेकिन सीरियसली थैंक यू सो मच गाइस, ये सब आपकी कृपा है। आपने इस गरीब इंसान को सड़क से उठा के स्टार बना दिया। गुड न्यूज नंबर टू ये है कि मेरे इस चिकरे चमकीले थोबड़े पर एक और नया पिंपल आ चुका है, जो कि है ये वाला। और क्योंकि आज हम CVS चैलेंज कर रहे हैं, तो मैंने इसका नाम रखा है सिविसलेश। आई नो कि प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन प्लीज ट्राई करिए सिविसलेश। एनीवे गाइस, हर कन्वीनियंस स्टोर की परंपरा ये है कि मैं स्टार्टिंग में हमेशा अजीब गरीब DMs पढ़ती हूँ, जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर मिलते हैं। तो आज भी हम उससे स्टार्ट करते हैं। किसी ने पूछा है, ये DP में तुम हो क्या? नहीं, मोदी जी हैं। व्हाट इज योर मदर? मेरी मम्मी एक इंसान का बच्चा है। नेक्स्ट, आपके पापा क्या करते हैं? मुझे शर्मा जी के बच्चों के साथ कंपेयर। शर्मा जी की बेटी के इतने मार्क्स आए, वो लंदन चले गए, डॉक्टर बन गए, शादी कर ली, 30 बच्चे हैं। मतलब कि कुछ भी करो कोई भी खुश नहीं होता। किसी ने पूछा है, आप शादी कब करोगे? एंगेजमेंट के बाद। नेक्स्ट, कन्वीनियंस स्टोर फूड इज बैड फॉर हेल्थ, वो प्यार किस काम का जो दर्द ना दे। एक लकड़े ने पूछा है, क्या तुम रिलेशनशिप में हो? नहीं, मैं घर में हूँ। और आज का लास्ट DM है, तुम में कोई स्किल्स नहीं है। बात तो सही है आपकी, मेरे में स्किल्स नहीं है, लेकिन मुश्किल्स बहुत हैं। एनीवे गाइस, आज के लिए बकवास बहुत हो गई। अभी हम चलते हैं डाउनटाउन जवानों के अड्डे में कुछ ऑरेंज कलर के कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑरेंज कलर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं है। सभी हम कोट पहनते हैं, मास्क पहनते हैं और जवानों के अड्डे में चलते हैं। मास्क मान्या, तुसी जा रहे हो? हाँ मैं जा रही हूँ। तुसी बाहर में जाओ। अन्या खुल जा सिम सिम। ओह यस। सो गाइस, अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का मौसम बहुत ही मस्त मस्त वाला मौसम है। थोड़ी हवा चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता ना। मोटरसाइकिल, क्या बात है गाइस, घर से निकलते ही मोटरसाइकिल के दर्शन हो गए। इसका ये मतलब है कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जब भी मौसम इतना मस्त मस्त होता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये रहे कुछ कोरियन पत्थर, कोरियन नहर, और वहाँ पर है कुछ अंकल आंटी जी जो कि डोले शोले बना रहे हैं। अंकल जी अभी अपने गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो गाइस, अभी आप यकीन नहीं करोगे, मैं रास्ते पर चल रही थी, मुझे एक फैन मिल गया। मतलब कि ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मैं रास्ते पर चल रही हूँ, मुझे कोई फैन मिल गया। तो मैं आपको उससे मिलाती हूँ। मेरा फैन, नाइस टू मीट यू फैन जी। अबे तुझे जानता कौन है? संतरे वाली चप्पल और मैं सेम ही जगह पर जा रहे हैं लगता है। सो गाइस, अभी हम फाइनली डाउनटाउन में आ चुके हैं और वो रही संतरे वाली चप्पल, मोटरसाइकिल। सो गाइस, अभी हम फाइनली डाउनटाउन में आ चुके हैं और सबसे पहले हम खरीदते हैं कुछ ऑरेंज कलर की नेल पॉलिश। नेल पॉलिश खरीदने के लिए हम जाते हैं ओलिव यंग में। ये वाली है लिप टिंट जो कि मैं यूजुअली इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं ये वाली लिपस्टिक खरीदने वाली हूँ, इसका रंग है ऑलमोस्ट ऑरेंज, तो लेट्स बाय दिस वन। 600元でいくら？70元でや。 गाइस, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये वाली लिपस्टिक सोल्ड आउट है यहाँ पे, तो मैं ये वाली नहीं खरीद सकती। ये तो मेरे साथ ही होना था, मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। यहाँ पर रहे कुछ फेक नेल्स, सो आई एम गोना बाय दिस वन। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे H&M में पहुँच चुके हैं। लास्ट बार यहाँ पे बहुत सारे ऑरेंज कलर के कपड़े थे, सो आई होप कि आज भी ऑरेंज कलर के कपड़े हो यहाँ पे। तो अभी अंदर चलते हैं। ये कौन सी सर्दी है जो नीचे से नहीं लगती, सिर्फ ऊपर से लगती है? जंगली जानवर वाली स्कर्ट, एक और जंगली जानवर वाली ड्रेस। फाइनली कुछ ऑरेंज कलर के कपड़े मिल गए। ये बीच में से क्यों खुला हुआ है?
अगर मैं ये आधी खुली हुई ब्लाउज पहनूंगी ना तो मेरी मम्मी की फ्लाइंग चप्पल इंडिया से कोरिया तक आ जाएगी। ये है ओवर साइज ऑरेंज शर्ट, ऑरेंज कलर की स्वेटर, तो ये वाली भी हम ट्राई करते हैं। गाइज मुझे ऑरेंज कलर की पैंट्स भी मिल गई, ऑरेंज शर्ट। सो गाइज ये रहे मेरे सारे ऑरेंज कलर के कपड़े, तो अभी हम इनको ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये वाली पैंट्स ट्राई करते हैं। This is how it looks like. अभी मैं ये शर्ट चेंज करती हूँ और ये वाली पहनती हूँ। अभी मैं टोटली संतरे जैसी लग रही हूँ। ये H&M वाली क्या सोच रही है कि जब भी ये लड़के यहाँ पे आते हैं सेम ही कलर के कपड़े क्यों खरीदती है। ओह यहाँ पर होल्स है अपना अंगूठा डालने के लिए, सो प्रैक्टिकल। सो गाइस दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो गाइस इतने सारे कपड़े ट्राई करने के बाद में मैंने फाइनली चूज कर लिया कि मैं कौन सा वाला खरीदने वाली हूँ, जो कि आपके लिए सरप्राइज है। सो प्लीज उसके लिए इंतजार करना। So guys, shopping is done. So guys, अभी मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली और बहुत सारे पैसे भी खर्च कर लिए, और इससे पहले कि मैं और भी पैसे खर्च करूँ बेहतर हुआ कि मैं घर पर जाऊँ। So now, let's go home. Cardigan, ta-dam! Guys, ये रही मेरी आज की संतरा फैशन। फेक नेल्स, ये नेल्स कम्प्लीटली ऑरेंज नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनको कैसे चिपकाने पड़ते हैं। तो ये है एक अल्कोहल कॉटन। सबसे पहले हमें हमारे नेल को साफ करना है। अभी हमारे नेल्स अच्छी तरीके से साफ हो चुके हैं एंड नाउ लेट्स अप्लाई द फेक नेल्स। रिमूव द स्टिकर एंड देन प्रेस एंड अटैच। ओके लाइक दिस, गुड गुड गुड, तदान माय नेल्स आर रेडी। ये नेल्स बहुत ही लंबे हैं, मुझे पता भी नहीं कि मैं इनसे खाना खा पाऊंगी या नहीं। इयररिंग्स, हेयर बैंड, तदान आई एम रेडी। मम्मा डू यू लाइक माय फैशन? नो, थैंक यू वेरी मच। मान्यांग म्यान सरांगे। तो गाइस अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ और वो रहा कमीना स्टोर 7-Eleven। और एक्चुअली मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि इन वस्त्रों में मुझे कोई भी अंदर घुसने नहीं देगा पागल समझकर। हे भगवान मेरी रक्षा करना। अरे मोटरसाइकिल आ गई, इसका ये मतलब है कि आज का वीडियो सही जाएगा। सो गाइस अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ, फाइनली उन्होंने मुझे अलाउ करा रिकॉर्डिंग करने के लिए। सबसे पहले हम ये छाबड़ी लेते हैं, इसका रंग भी ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का माउथ वॉश, लेकिन ये ज्यादा बड़ा है मेरे लिए तो इसको वापस रख देते हैं। ऑरेंज कलर के टिश्यू पेपर, सो क्यूट। तो गाइस यहाँ पर रही ऑरेंज कलर की प्रिंगल्स, हम ये वाली खरीदते हैं। यहाँ पर रही कुछ कैंडीज, ये वाली है ऑरेंज कलर की तो हम ये वाली भी खरीदते हैं। यहाँ पर है टी, ये वाली है ऑरेंज कलर की तो ये वाली खरीदते हैं। गाइस मुझे ब्लैक पिंक की विटामिंस मिली है तो ये वाली भी हम खरीदते हैं। शी इज सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पर रही BTS की कॉफी, सो हैंडसम बॉय, ब्यूटीफुल जिन, JK, आवर सनशाइन होबी, हमारा लीडर RM। सैडली यहाँ पे शुगा और जिमिन नहीं दिख रहे। यहाँ पर है मोर कैंडीज, ये टेरी बेयर ऑरेंज कलर का है तो मैं सिर्फ इसके लिए ये वाला खरीदूंगी। यहाँ पर है कुछ अलग अलग टाइप के रानियों, तो यहाँ से हम कुछ ऑरेंज कलर का खरीदते हैं। आई एम गोना बाय दिस वन। फ्रेश फूड, सो यहाँ पर है अलग अलग के कोल्ड ड्रिंक्स, हम ये वाली ऑरेंज ड्रिंक खरीदते हैं। ये वाली है चिकन सॉसेज तो हम ये वाली भी खरीदते हैं। यहाँ पर रही आइसक्रीम, ये वाली है ऑरेंज कलर की तो हम ये वाली लेते हैं। हियर इट इज, लुक्स यम्मी, इसको वापस बंद कर देते हैं। सो इस फ्रिज के अंदर से हम लेते हैं ये वाली ऑरेंज ठंडी ठंडी कॉफी। सो गाइस आज के लिए हमने बहुत सारी ऑरेंज कलर की शॉपिंग कर ली है तो अभी हम इसको पे करते हैं। अभी हम खाना यहाँ पर बैठ के खाते हैं। फाइनली खाने का टाइम आ चुका है। मैंने ये वाला हेयर बैंड निकाली क्योंकि इसके साथ मैं कुछ ज्यादा ही जोकर लग रही थी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप नए कपड़े पहनते हो तो आपको सुपीरियर वाली फीलिंग आती है, लेकिन आज मुझे नए कपड़े पहन के संतरा वाली फीलिंग आ रही है। इससे पहले कि हमारी आइसक्रीम फिंगर जाए सबसे पहले ये खाते हैं। इट एक्चुअली लुक्स ऑरेंज, इसके अंदर है ऑरेंज एंड चॉकलेट। तो यहाँ पर आज टाइगर, टाइगर को कोरियन में बोलते हैं हो रामी। डन, अभी हम ये वाले रामियन ट्राई करते हैं। जब तक हमारा रामियन तैयार होता है हम ये ड्रिंक ट्राई करते हैं।
डोले शोले। सो ये वाला है स्पार्कलिंग ऑरेंजेस। चीयर्स। मजा आ गया। इसका टेस्ट सेम टू सेम फांटा जैसा है। गुड गुड गुड। अभी हम ये चिकन सॉसेज ट्राई करते हैं। पैकेजिंग ऑरेंज है लेकिन ये अंदर से व्हाइट है। लेट्स ट्राई इट। ये है मुर्गे का सॉस है जो इसका टेस्ट है मुर्गे जैसा। लास्ट बाइट गाइस। अभी हमारे रामेन तैयार हो चुके हैं तो इनको खाते हैं। मिक्स वेल। सो अभी हम रामेन खाते हैं। इसके अंदर रही एक छोटी सी पीस सॉसेज की। ये इतनी क्यूट है, मैं इसको कैसे खाऊं? कमीने स्टोर चैलेंज बिना रामेन के अधूरा है। सो गाइस आई एम डन विद माय रामेन। और अभी हम क्या खाते हैं? चिप्स खाते हैं। आई थिंक ये बार इंडिया में भी मिलती होगी। इन नाखूनों से कुछ भी खुला नहीं जा रहा मेरे से। ये डब्बा इतना बड़ा है लेकिन यहाँ पर इतना सारा गैप क्यों दिया हुआ है? इसके अंदर आधी तो हवा भरी हुई है। क्योंकि मेरे हाथ कम्प्लीटली साफ नहीं है तो आई एम गोना यूज चॉपस्टिक्स। सो ये है चीज वाली पोटैटो चिप्स। यूजुअली मुझे पोटैटो चिप्स पसंद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ही सॉल्टी होती है लेकिन दिस वन इज रियली रियली गुड। गुड गुड गुड। अभी हम ये जेली ट्राई करते हैं। ये वाली है योगर्ट जेली, मतलब की दही की बनी हुई जेली। हियर इट इज। वाओ, इट रियली स्मेल्स लाइक योगर्ट। इसकी शेप है बॉटल जैसी। लेट्स ट्राई इट। जो फीका ऑरेंज जूस आता है ना वैसा टेस्ट है इसका। सो ये वाली है आइस टी लेकिन मैं इसको कैसे पीऊँ? मेरे पास ग्लास भी नहीं है तो हम ग्लास लेके आते हैं। सो यहाँ पर है आइस कप। इसके अंदर है ठंडी ठंडी आइस। सो लेट्स बाय दिस वन। नहीं। अभी हम इस आइस कप के अंदर ये टी डालते हैं। अरे ये तो येलो है गाइस। ये क्या हो गया? मैंने सोचा कि ऑरेंज कलर की होगी लेकिन ये तो येलो निकली। मतलब कि पैकेजिंग को भी येलो होना चाहिए ना। अब क्या करें, मजबूरी में पीना पड़ेगा। इवन दो बाहर ठंड पड़ रही है, इसको पीते ही पता नहीं रिफ्रेशिंग वाली फीलिंग आ रही है। वाह। अभी हम ये टेडी बेयर वाली कैंडी ट्राई करते हैं। लेट्स ओपन दिस वन। इज सो क्यूट गाइस, मैं इसको कैसे खाऊं? ये जो बाकी के ना, जो मेरे पड़ोसी के बच्चे ना, मैं उनको दे के आऊंगी। आई कैन नॉट मेक बबल गम्स। देखिए इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं ब्यूटीफुल हूँ, फनी हूँ, स्मार्ट हूँ, बस एक ही कमी है, च्यूइंग गम फुलाना नहीं आता मुझको। अभी हम जेनी की ये विटामिन सी ट्राई करते हैं। यार एक इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? आई कैन नॉट ओपन इट। ये मजबूर है पर आप नहीं। फाइनली बॉस ट्रेवल के बाद में मैंने खोल लिया। सो ये वाली है विटामिन बी प्लस विटामिन सी। आप इसको ऐसे ही बिना पानी के डायरेक्टली खा सकते हो। बहुत ही खट्टी है। खट्टी है लेकिन आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्थी है। फाइनली हमारा लास्ट आइटम जो कि है ठंडी ठंडी कॉफी। चीयर्स। पता नहीं कि जब भी मैं कॉफी पीती हूँ तो मेरी एनर्जी में बॉडी आ जाती है, बॉडी में एनर्जी आ जाती है। Anyway guys, I'm done with my food और अभी हम यहाँ का कचरा साफ करते हैं। तो गाइस अभी यहाँ के दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी मैं वो वाली टैक्सी लेने वाली हूँ जॉब पर जाने के लिए क्योंकि मैं अभी बहुत ही लेट हो रही हूँ। यहाँ से So guys, अभी मैंने टैक्सी ले ली है जॉब पर जाने के लिए। आई होप कि मैं ज्यादा लेट ना हो जाऊँ। मुझे नहीं पता कि आज का व्लॉग सक्सेसफुल था या नहीं। आई होप कि आपको फिर भी पसंद आया होगा और मैं आपको जल्दी मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए एंड आई लव यू। बाय।